देश में फिर कमल खिलाने के लिए जुटेगी मिशन मोदी अगेन पीएम की टीम। धनबाद पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की भी टीम मिशन मोदी अगेन पीएम की टीम अभी से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुट गई है, जिसको लेकर आज भूली में मिशन मोदी अगेन पीएम का एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही और कहा, देश पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र किस तरह विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी बढ़ रहा है, ये आम जन तक पहुँचाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने मिशन में तभी सफल हो सकेंगे जब संगठन मजबूती से काम करेगा। वही मौके पर धनबाद जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे दायित्व के साथ करेंगे। आज धनबाद जिले की बैठक हमने बुलाई है, इसमें हम धनबाद जिले का गठन कर रहे हैं, इसमें मेन बॉडी में हमने राजेश गुप्ता जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया है, गीता सिंह को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, ऐसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बने हैं और आज हम यहाँ 36 प्रमंडल आते हैं, सबके प्रभारी भी बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है हर हर मोदी घर घर मोदी। हर गांव के अंदर 11 मोदी हम खड़े कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण देंगे और मोदी सरकार की योजना जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, इस पर मिशन मोदी काम कर रहा है और 2024 में मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने उसके लिए हम हर गाँव के अंदर 11 मोदी खड़े कर रहे हैं, जो अपने आप को मोदी मानकर काम करेंगे, एक घंटे समाज में काम करेंगे, स्वच्छता है, शिक्षा है, पर्यावरण है, योजना है, प्रशासन है, जल संरक्षण है, ऐसे हमारे 10 आयाम हैं, ये 11 मोदी एक एक आयाम का जिम्मेदारी एक घंटे मोदी बनकर काम करेंगे, उसके लिए आज हमारा गठन हो रहा है और बहुत जल्दी हम इस जिले की एक कार्यशाला करेंगे। उस कार्यशाला में मिशन मोदी के जो जिले के पदाधिकारी होंगे, प्रमंडलों के पदाधिकारी होंगे, उनको एक ट्रेनिंग देंगे, फिर हमारी गांव-गांव के कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण वर्ग देंगे और ट्रेंड कार्यकर्ता मोदी बनकर काम करेंगे, मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे। झारखंड में इसको किस तरह से आप फैलाएंगे? यहाँ जो हमारी जिले की कमेटी, जो यहाँ पहले विस्तार हमारा जो अभी टारगेट है विस्तार का, संगठन का विस्तार हो और फिर विस्तार होके हम कार्यकर्ता जो मिशन मोदी के साथ कार्यकर्ता जो जुड़ रहा है उस कार्यकर्ता को प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से उसको ट्रेनिंग देकर हम योजनाओं की ट्रेनिंग देंगे, समाज में कैसे काम करना है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, इसमें समाज में जो जागरूक लोग हैं उनको अपने साथ जोड़कर उन्हें ट्रेंड करेंगे और वो योजनाओं को पहुंचाएंगे, ये काम करने का हमारा तरीका है। आज मिशन मोदी अगर पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस विश्वास से हमें धनबाद जिला का दायित्व दिया है, उस दायित्व को मैं पूरी तरह निभा करूँगा और मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उनको मैं धरातल पर लाने का अपने साथियों के साथ में मैं प्रयास करूँगा। मैं मिशन मोदी के महिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा, मैं ऐसे 32 मंडल हैं, 32 मंडल में एक 11-11 का टीम बनाकर मैं 11,000 यहाँ मोदी बनाने का कार्य करूँगा और रामगोपाल काका जी जो हमें जिस उद्देश्य से हमें धनबाद जिला का प्रभाव सौंपे हैं, मैं उन पर उनका खराब करने का प्रयास करूँगा और मैं धनबाद जिला में यह भी सबको आश्वासन देता हूँ कभी कल मिशन मोदी के जो भी हमें कार्यभार दिया है, झारखंड में 14 लोकसभा में हम लोकसभा जीतने का काम मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकाल के दौरान कराऊँगा और इस बार फिर मोदी मिशन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं 81 विधानसभा में मैं भाजपा का चुनाव जिताने का काम करूँगा और फिर से यहाँ पर भाजपा का सरकार बनाने का कार्य करूँगा। इस मिशन के साथ मैं मिशन मोदी अगेन पीएम का मैं वादा करता हूँ और हम ही नहीं वादा करता हूँ, यहाँ 11,000 कार्यकर्ताओं को लेकर है ना, हर एक गाँव में, हर एक शहर में, हर एक खुले में जा करके उनका मिशन मोदी का हर योजना को धरातल में लाकर मैं उसे निस्वार्थ भाव से कभी हर कार्यकर्ता को यही कहूँगा कि निस्वार्थ भाव से समाज में आए और समाज में आकर हर लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 30 घंटा मोदी के लिए करें, समाज के लिए काम करें, लेकिन उसमें से एक घंटा समाज अगर निकाल लेते हैं तो हमें विश्वास है कि वो भी एक कार्यकर्ता मोदी बनने का काम करेंगे और मोदी बनकर समाज को हम लोग उजागर करेंगे और एक एक कार्यकर्ता मिलकर हम लोग फिर से 81 विधानसभा में भाजपा की सरकार बनाएंगे और 14 लोकसभा जिताकर झारखंड के एक मिसाल बनाएंगे, मिसाल बनाकर भारत में फिर से मोदी जी का परचम लहराएंगे। जय हिंद, जय झारखंड।
मैं धनबाद जिला अध्यक्ष किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप। धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।